हाय गाइस, वेलकम बैक मेरे चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हो? तो इसमें आपको दो में दिखाने वाली हूँ कंटेंट जो कि मैंने क्रिएट किया है। ये देखिए, ये जो मैं आई मेकअप कर रही हूँ, ये आई मेकअप फर्स्ट में, ये आई मेकअप आपको जो टीनेजर हैं, जो बिगनर हैं, जो लड़कियां हैं, ये आई मेकअप आसानी से कर सकती है, जिनको पूरा आई मेकअप नहीं पसंद है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काजल अप्लाई कर लेना होगा आउटलाइन के बाहर बाहर। और उसके बाद आपको एक आई शेडो ब्रश से आई शेडो लेके पाउडर आई शेडो से इसको ब्लेंड कर देना होगा। देख सकते हैं ना कितने सुंदर आई मेकअप हो गए हैं। ये आई मेकअप करके आप कहीं भी जा सकते हो, कॉलेज में भी जा सकते हो, फंक्शन भी अटेंड कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया है, वाइट कलर का काजल अप्लाई किया है। तो इस तरह से वाइट कलर का काजल अप्लाई करोगे ना, तब क्या आँखें सुंदर दिखेंगी, ठीक है ना गाइस। ब्लैक कलर का भी लगाओगे तो थोड़ा सा छोटी हो जाती है, कैसे सब चीज़ डार्क डार्क हो जाता है ना, तो छोटी लगने लगती है। तो बड़ी आँखें में ब्लैक काजल अच्छा लगता है, लेकिन छोटी आँखें में अगर सब चीज़ आईलाइनर डार्क लगा रहे हो, ब्लैक लगा रहे हो, काजल ब्लैक लगा रहे हो, वाटर लाइन के लोअर आईलैशेस के नीचे आप मतलब डार्क आई शेडो लगा रहे हो, तो सब डार्क हो गया ना, इसलिए आपकी आंखें छोटी दिखने लगेगी। तो देख सकते हैं ये लड़कियों के लिए कितनी सुंदर आई मेकअप, ये रेगुलर के लिए आई मेकअप हो सकता है। तो चलिए दूसरा वीडियो शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं पार्सल ओपनिंग करने वाली हूँ, जिसका नाम है चमेली। मैं आलन बेली चली आई, दरवाजे पे खड़ी हूँ बड़ी देर से। तो गैस, क्या आपका रियल नेल जो है, नाखून है, वो बढ़ाने के बाद फिर टूट जाता है, तब मायूस हो जाते हो, उदास हो जाते हो? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों, इसका सलूशन है, आप जाइए नकली नेल लाइए। तो यही मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, देख लीजिए कैसा है, मुझे बहुत पसंद आया ये नेल। और इसको लगाना बहुत ही आसान है, सारे चीज़ मतलब सारे प्रोडक्ट जो जो नेल के लिए लगते हैं वो दे दिया है ये नेल मीशो से, जो मैंने ऑर्डर किया था। तो इसमें सारे चीज़ आ गया है, आसानी से आप लगा सकते हो अपने नेल पे। तो मैंने एक फिंगर में आपको लगा के अप्लाई करके दिखाई हूँ, आप देख लीजिए। और फुल वीडियो चाहिए तो वीडियो पे कमेंट, लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फुल वीडियो मैं दिखाऊंगी आपको कि इसको कैसे, किस चीज़ से मैंने चिपकाया है, क्या क्या हमको दिया है, ये भी मैं इसमें बता दी हूँ। तो देख लीजिए, फुल वीडियो देखिए, उसके बाद बताइए। देख सकते हैं नेल। तो गाइस मैं क्या ही बताऊँ, इसमें जो जो नील को फेक नेल लगाने के लिए जो जो सामान लगता है वो सारे सामान हमको मिल गया है। तो देख सकते हैं, मैं उसको निकाल के देख रही हूँ कि ये सब क्या क्या है, तो उतना मैं फुल वीडियो में नहीं बता पाई हूँ। तो ये देख सकते हैं क्या है, इसको नेल को एथी रगड़ने वाला है, जैसे कि कहीं टेढ़ा कहीं सीधा हो जाता है ना, तो उसको रगड़ के आप एथी कर सकते हैं। ये दिया है टूथपिक, दिया है नेल। तो दोस्तों एक बात बताऊं आप सबसे, वो लोग मूर्खे होते हैं जो जाके एथी नकली नेल लगवाते हैं 15,000 में, 10,000 में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 500 में, 1,000 में लगा दूंगी, मेरे पास अगर आओगे तो। आप सब तो देख सकते हैं, ये मैं अपने फिंगर में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया सा एक प्लास्टिक की तरह दिया है चिपकाने वाला इस नेल को। तो इससे आप जो टूथपिक है, इससे आप गंदगी साफ कर सकते हो, नाखून को क्लीन कर सकते हो रेगुलर। आइए देखिए, यही नेल बता रही थी, इतना सुंदर लग रहा था, मैरून कलर एकदम, मैं तो इस पे फिदा हो गई। तो मैं बार बार कोशिश करती हूँ गाइस, मैं क्या ही बताऊँ कि मैं अपना नेल बढ़ाऊँ बढ़ाऊँ, थोड़े दूर जाता है उसके बाद साइड से टूटने लगता है। क्या कि हम लोग हाउस वाइफ है ना, हम काम वूम करते हैं तो हमारा नेल तो टूटना लाजमी है। तो बड़ा नेल लगा लिए, अभी तो एक ही फिंगर में मैं लगाई हूँ तो इतना दिक्कत हो रहा है, लेकिन सारे फिंगर में लगाऊंगी तो मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगी। मैं यही सोच रही हूँ कि तुम तो अपने घर में बोल रही हूँ कि मैं इतना महंगा नकली नेल लगाई हूँ, अब मैं काम नहीं करूँगी। तो देख सकते हैं कितने बड़े हैं, ये किसी के मुंह भी नोच सकते हैं। लेकिन
देखते हैं कब तक ये टिका रहता है। ऐसे तो ये अप्लाई करके मैं बर्तन भी साफ कर चुकी हूँ, पानी का मतलब बहुत सारा काम कर चुकी हूँ। तो देख सकते हैं एक फिंगर में मेरा अप्लाई हो गया है, और कि क्या दिया है अप्लाई करने वाला, वो भी मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है गाइस। तो ये वीडियो आप सबको कैसे लगा, अच्छा लगा ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर कर देना। जिनको नकली नेल लगवाना हो ना, तो मीशो पर चली जाएं, वहाँ से ख़रीद के अपने फिंगर में, अभी फेस्टिवल सीजन आ गया है, घुस गया है, तो आप लगा सकते हैं। इसी प्लास्टिक में चिपकाने वाला है, तो इसी में से मैंने निकाल के स्टिकर की तरह चिपका ली हूँ इस नेल को, एकदम चिपक भी गया है, दोनों तरफ से है चिपकाने वाला इसमें। तो इसको मैं चिपका के एकदम फिक्र निफिक्र हो गई हूँ कि ये निकलने वाला नहीं है। तो उसके बाद मैं कौन जैसे चिपकाऊंगी गाइस। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके बताओ।